I am very hungry. I pray my God. God may help me. अभी मैंने देखा था कि लोग आपको ताड़ रहे थे, क्या समझते हैं लोग आपको? लोग यही समझ रहे थे कि I am prostitute, but I'm not prostitute. रोड से चल रही होती हूँ, बाइक पे लोग आते हैं, पीछे हार लगा दिया, नौज़बिल्ला गलत हरकतें करना शुरू कर दी, पानी फेंक दिया, अंडा फेंक दिया कि ये प्रोस्टिट्यूट है. बहुत मुश्किल का सामना करना पड़ता है. आप भी, तुम्हारी जिंदगी तबाह हो गई है, तुम पाउडर पे लग गई हो. एक वक्त था कि मैंने पाउडर का नाम सुना था, लेकिन मैं समझती थी कि ये कोई तिब्बत पाउडर है, उसको पाउडर बोलते हैं. मैं दुबई क्या करने गई थी? मैं डांसर थी. अच्छा, डांसर भी थी? ये डांस कितना अरसा किया? मैंने मैक्सिमम 4 to 5 years किया. अच्छा. जी. अच्छा खासा पैसा भी कमाती होंगी? बिल्कुल, सब कुछ. घर में भी रहती होंगी? बिल्कुल, ऐसे ही था. रोड पे क्यों आ गई? जब तक मेरे पास पैसा था, मेरे घर वालों ने भी मेरा साथ दिया. घर वालों को वहाँ से जाहिर बात है पैसे भेजती थी मैं, उसी से सर्किट चलता था. 2 माह का विजिट करने के लिए मैं गई चली दुबई में. बर दुबई में है रिचमोंड होटल, वहाँ पे मैंने स्टे किया. जी. और मिर्ची क्लब में मैं डांस करती थी, डेरा मिर्ची क्लब है वहाँ पे. कितना अर्सा डांस किया? मैंने मैक्सिमम जो है ना टूर लगाते थे 2 माह के ना. हाँ जी, 2 माह का टूर जाता था, टूर के साथ ही 2 माह वहाँ पे रहना, फिर आ जाना. यहाँ पे 1 माह रहती थी, फिर चली जाती थी. इसी तरह तकरीबन 2 से 3 साल मैं दुबई में जो ये डांस किया. फिर बहरीन गई चली मैं. बहरीन भी गई आप? जी, बहरीन में भी फिर किया मैंने. अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं आपका मेज़बान फैसल खान सूरी और आप देख रहे हैं NPG मीडिया. नाज़रीन, आज मेरे साथ एक और इकबाल की शाहीन मौजूद हैं, लेकिन इनका नाम शाहीन नहीं है बल्कि इनका नाम है राबिया. राबिया बहुत ही तालीम याफ्ता हैं, पढ़ी लिखी हैं, बहुत ही ज़हीन भी हैं. इनसे मैंने कहा कि अपनी टिकटॉक की आईडी दिखाएं, तो इन्होंने मोबाइल पकड़ा, मुझसे खींचा और मोबाइल पर सर्च करके बताया कि ये मेरी टिकटॉक की आईडी है. ऐसा क्या हुआ कि राबिया सड़कों पे धक्के खा रही हैं? राबिया यहाँ पे बैठी हुई थी कि अचानक मेरी नज़र पड़ी और लोग इनको तार तार कर जा रहे थे. लोग समझ रहे थे शायद ये जिस्म फरोश हैं, लेकिन राबिया जिस्म फरोश नहीं है. राबिया को आइस पे लगाने वाली इसकी बहन थी. बाकी का मामला इन्हीं से जानते हैं कि ये नशा क्यों करती हैं, इतनी पढ़ लिख के भी सड़कों पे धक्के क्यों खा रही हैं, इनके खावंद भी सड़कों पे सोते हैं, ये भी सड़कों पे सोती हैं, इस सारा मामला क्या है? राबिया ये सब क्या हुआ, सड़कों पे धक्के खाना, ये नशा करना, ये सब क्यों? मेरी बहन की वजह से मैं इस चीज़ पे लगी. छोटी बहन थी, वो ये चीज़ यूज़ करती थी. मैं पहले आउट ऑफ कंट्री होती थी, ठीक है. 2014 के 8वें महीने में मैं वहाँ से वापस आई. कौन सी कंट्री में होती थी? दुबई से मैं वापस आई थी, ठीक है, 2014 के 8वें माह में. आते ही मैं गर्दा यूज़ करती थी, हैश पीती थी मैं. तो वो मैं और मेरी बहन पी रहे थे, तो अचानक मेरी बहन मेरे से अलहदा हो गई, गई चली. तो मैक्सिमम 1 आवर के बाद फिर वापस आई. तो उसकी हालत जो है ना बहुत ही नशे वाली थी, ठीक है. मत मीन्स कि उसकी आंखें बिल्कुल बंद हो रही थी, जिस तरह इंसान नशे में नहीं हो जाता या कोई मेडिसिन यूज़ की हो. तो मैंने उससे पूछा, मार के क्या किया? कहता ही मुझे, कहती आप ही, मैंने कोकेन किया है. क्योंकि वो मैं यूज़ करती थी बाहर. मैं, मेरा दिल चाहा पाकिस्तान में आने के बाद कि मैं ये चीज़ यहाँ पे मिल रही है तो मैं करूँ. तो मुझे कोकेन समझ के मैं गई चली वहाँ पे. फिर दोस्त मार्केट से मिनी गोल्फ पार्क नहीं है, वहाँ पे मैं आई. तो एक बड़ी पैकर नाम का मंशियात फरोख्त था, जिसने मुझे एक लाइन लगवाई.
मुझे लाइन लगवा के कहता है कि ये ऐसी कोकेन है कि आपको बाइट भी नहीं मिलती होगी। मैंने लगाई एक लाइन, मुझे वॉमिटिंग होना शुरू हो गई। फिर वॉमिटिंग के बाद जो है ना, मुझे माइंडली तौर पे रिलैक्स हो गई मैं, कि मुझे कोई टेंशन नहीं किसी चीज़ की भी, मैं रिलैक्स हो गई पूरी, ईच एंड एवरीथिंग, नो टेंशन माय माइंड। मैं उसके बाद अगला दिन हुआ, मैंने फिर मुझे उस चीज़ की तलब हुई कि मैं वो फिर करूं। तो मैंने अपनी बहन से पूछा कि वो कहाँ मिलेगा जिससे ये ली थी हमने कोकेन। मैं कोकेन ही समझ रही थी, मुझे तब इसका पता नहीं था कि ये पाउडर है जी। तो मेरी बहन ने मुझे कहा कि हमारे हमसाया है आता, ठीक है, जहाँ पे हम रेंट पे रह रहे थे सॉरी, तो वो मेरी बहन के बॉयफ्रेंड थे, उसने उसको बुलाया कि इस तरह आप ही कह रही है कि मुझे फिर वो करना है, लाइन लगानी है, तो मुझे लेके चलो। वो इंसान ने उसको फ़ोन किया, डीलर को, बड़ी पैकेट जो है, उसको फ़ोन किया, उसने हमें बुला लिया वॉल्टन के, वॉल्टन आ जाओ मैं यहाँ पे हूँ। वॉल्टन गए हम, उसने इसी तरह ना आहिस्ता लगवाना शुरू कर दिया नशा मुझे, ठीक है। महीना गुजरा, 2 माह गुजरे, 3 माह गुजरे, फ्री पिला दिया अपने पास से। जैसे ही 4 मंथ स्टार्ट हुए, उसने मुझे कहा कि ये पैसों का आता है। अच्छा। मेरे भी छोटे छोटे बच्चे हैं, बीवी है, तो मैं नहीं अफोर्ड कर सकता, अब आप मुझे पैसे दें कि मैं ये लेके आऊं। मेरे पास तब धर्म भी थे, ठीक है, और कुछ पाउंड्स थे मेरे पास, मैंने उसको दिए, मैंने कहा ये लें, ये एक्सचेंज करवा के लेके आए। निशात होटल नहीं है, गेस्ट हाउस जो है डिफेंस से अंदर जाए, वहाँ पे मैंने स्टे किया, क्योंकि घर पे मैं ये चीज़ नहीं करना पसंद करती थी फैमिली में। वहाँ पे जाके स्टे किया तकरीबन 3 से 4 दिन जो है ना, 3 से 4 दिन में मैंने 4-4.5 लाख रुपया वहाँ पे लगा दिया। यूं ही उस बंदे ने मेरे से, यानी कि फ्रॉड से पैसे लेता गया कि ये कोकेन है। फिर कोकेन की एडिक्शन नहीं होती है, होती है हर चीज़ की, लेकिन तब मुझे नहीं थी। जब मैंने ये चीज़ नहीं यूज़ की, मेरे पूरी बॉडी में पेन होना शुरू हो गया, नाक से पानी, आंखों से पानी। मैंने कहा ये मुझे क्या होता है। मैंने ना ये बात शेयर की अपने भाई से, जिसकी डेथ हो गई है, छोटा भाई है। मैंने कहा अली इस तरह मैंने कोकेन की है, तो मुझे ना अब मेरे जिस्म में ये फील हो रहा है मुझे। उसने कहा कि अब भी तुम्हारी ज़िंदगी तबाह हो गई है, तुम पाउडर पे लग गई हो। एक वक्त था कि मैंने पाउडर का नाम सुना था, लेकिन मैं समझती थी कि ये कोई तिब्बत पाउडर है, उसको पाउडर बोलते हैं। मेरी दादों ने ये नाम यूज़ किया, मेरे चाचू को वे पाउडर या निकल जाए करो, तब से मेरे दिमाग में यही था कि ये आम पाउडर है, तिब्बत पाउडर यूज़ करते थे घर पे। तो मैंने कहा ये वो वाला पाउडर हुआ, लेकिन जब मैं इस चीज़ पे लगी तब मुझे पता चला कि ये असल पाउडर ये है कि जो इंसान की ज़िंदगी तबाह कर देता है। अबे दुबई क्या करने गई थी? मैं डांसर थी। अच्छा, आप डांसर भी थी? ये डांस कितना अरसा किया? मैंने मैक्सिमम 4 से 5 ईयर्स किया। अच्छा। जी। अच्छा, खासा पैसा भी कमाती हूँ। बिल्कुल, सब कुछ घर में भी रहती हूँ। बिल्कुल ऐसे ही था। रोड पे क्यों आ गई? जब तक मेरे पास पैसा था, मेरे घर वालों ने भी मेरा साथ दिया। घर वालों को वहाँ से ज़ाहिर बात है पैसे भेजती थी मैं, उसी से सर्किट चलता था। मेरी वालदा जो थी उनको मैं पैसे देती थी। देखिए, औलाद का काम है माँ बाप को बना के देना, कमा के देना, माँ बाप का फर्ज है के बनाना, बस वो नहीं इस चीज़ को कर पाई। डांसर किसने बनाया था?
मेरी बड़ी सिस्टर थी, ठीक है जी, कोई डांसर थी जी, वो पहले गई आउट ऑफ कंट्री में, फिर मुझे भी ना शौक आया कि मैं बहन मेरी बाहर है चलो मैं भी जाती हूँ, तब मुझे नहीं पता था कि वो डांस करती है वहाँ पे, ये पता था कि वो एक क्लब में जॉब करती है, वर्कर जॉब। अच्छा, क्लब में करती है, वर्कर जॉब करती है, मेरे माइंड में ये था, मुझे नहीं पता था कि वो डांसर है। खैर मेरी बहन ने मुझे अपनी टीम से मिलवाया जिनके रेफरेंस से वो गई थी आउट ऑफ कंट्री, उन्होंने मुझे डांस वगैरह सिखाया यहाँ पे, ट्रेनिंग की मैंने एक माह, फिर उसके बाद मेरा पासपोर्ट आईडी कार्ड बनवा के, आईडी कार्ड पासपोर्ट बना, फिर मैं गई चली दुबई का विज़िट करने, दो माह का विज़िट करने के लिए मैं गई चली दुबई में, बड़ दुबई में है रिचमोंड होटल, वहाँ पे मैंने स्टे किया जी, और मिर्ची क्लब में मैं डांस करती थी, डेरा मिर्ची क्लब है वहाँ पे। कितना अर्सा डांस किया? मैंने मैक्सिमम जो है ना टूर लगाते थे दो माह के ना, हाँ जी दो माह का टूर जाता था, टूर के साथ ही दो माह वहाँ पे रहना फिर आ जाना, यहाँ पे एक माह रहती थी फिर चली जाती थी, इसी तरह तकरीबन दो से तीन साल मैं दुबई में जो ये डांस किया, फिर बहरीन गई चली मैं। बहरीन भी गई आप? जी बहरीन में भी फिर किया मैंने, फिर बहरीन से फिर दुबई में लास्ट आई थी, बता रही थी मैं आपको 2014 के आठवें महीने में जो है ना, छठवें महीने गई थी, आठवें महीने में मैं आ गई थी वापस, तो उसके बाद से मेरी ज़िंदगी के जो भी मुश्किलात का सामना करना पड़ा वो मैंने। ये शादी कब की? शादी मेरी इस तरह हुई कि मैं नहर पे इसी तरह ड्रग्स ले रही थी, तो मुझे एक अचानक ही एक शख्स मिला जिसका नाम नुमान है, उसने मुझे लाइक करना शुरू कर दिया, मुझे प्रपोज किया। इस तरह से प्रपोज किया? मुझे उन्होंने आके बोला कि ये चीज़ गलत है, ये मत करो। अच्छा। इतनी प्यारी हो तुम, क्यों ये चीज़ लगी, कैसे? मैं मुझे इस तरह लगा कि शायद मेरा कोई अपना है जिससे मैं अपने दिल की बात शेयर करूँ। मैं मेरा उसके साथ इतनी अटैचमेंट होगी मेरी कि मैंने अपनी सारी बातें उसको बताई अपनी लाइफ के बारे में जो मेरे साथ पास्ट में हुआ। फिर उसने मुझे कहा कि मेरा मेरे साथ अपना फ्यूचर बनाओगी, मुझे कोई उम्मीद की किरण नज़र आई, मैंने हाँ बोल दिया। ऐसे करते करते तकरीबन तीन से चार माह गुजरे, उन्होंने मुझे कहा कि शादी करते हैं हम जी, हमने फिर निकाह कर लिया। शाहजमाल के रहायशी हैं वो, ठीक है, फिर हम लोगों ने निकाह किया, उसके बाद मुझे अपने घर भी लेके गए, वहाँ भी मैं रही, लेकिन मुझे नहीं ये चीज़ पसंद थी कि मैं अपनी ननंद देवर जो मेरी आज इज्जत करते हैं, बेशक उनको पता है कि मैं ये चीज़ यूज़ करती हूँ, लेकिन मेरा ज़मीर गवारा नहीं किया कि मैं उनके सामने ये चीज़ करूँ और अपनी सास के सामने, क्योंकि फिर वो इज़्ज़त नहीं मेरी रहनी थी उनकी नज़रों में। और ने छोड़ दिया फिर? नहीं, मेरे साथ है अभी भी। कहाँ पे हैं अभी? जिना पे, जहाँ पे मैंने रहती हूँ कैनाल के ऊपर, वहाँ पे मेरा वेट कर रहे होंगे। रोड पे सोती हैं? कैनाल, नहर कैनाल के ऊपर ही एक मैंने कैबिन बनाया हुआ है, वहाँ पे मैं सोती हूँ। घर भी है उनका, लेकिन क्या है कि वहाँ पे मैं रह नहीं सकती हूँ, क्योंकि मेरे में ये चीज़ गलत है कि मैं नशा करती हूँ। आपके शोहर ने आपकी वजह से अपने घर वालों को छोड़ दिया? घर वालों को छोड़ा नहीं है, मिलते हैं वो, लेकिन मेरी वजह से बाहर आके रहना शुरू कर दिया उन्होंने, क्योंकि वो मुझे एक अच्छी ज़िंदगी गुजारने के लिए कहते हैं, और वो उन्होंने अपनी ज़िंदगी तबाह कर ली, वेस्ट कर लिया अपना जो है ना सारी, अपने आप को तबाह कर लिया। समझ ले कि प्यार में इंसान जो है ना पागल नहीं होता, वो मेरे लिए इस तरह पागल है, और मुझे ये कहते हैं ये चीज़ छोड़ें, और मैंने बड़ी कोशिश भी की अपनी तरफ से, लेकिन कोई ऐसा मसीहा नहीं आया जिसकी वजह से मैं छोड़ पाऊँ, क्योंकि मेडिकल होना बहुत ज़रूरी है इस चीज़ के लिए, प्रॉपर मेडिकल होगा तो मैं ये चीज़ छोड़ पाऊँगी, और
इतना बजट नहीं है कि मैं मेडिकल करवा सकूं। कितना पढ़ी हुई? मैंने मैट्रिक क्लियर किया जी, फिर फर्स्ट ईयर में स्कॉलरशिप मिली थी मुझे, लेकिन मैंने नहीं किया कंप्लीट बस। तो अगर इंग्लिश में कोई बात करनी पड़े तो आप कर लेती हो? यस ऑफ कोर्स, क्यों नहीं। सवाल करें जरा इंग्लिश में मुझसे। व्हाट्स योर नेम? माय नेम इज फैसल खान। अगर आपको अपना इंट्रोडक्शन देना पड़े इंग्लिश में दे लेंगी? जी दीजिए। आई एम राबिया, आई एम बिलोंग कादरपुरा बाजार शाहजान फैक्ट्री। I'm also sad. Also sad. I am very hungry. I'm pray my God. God, my help me. राबिया, क्या ख्वाहिश है जिंदगी में जो अभी तक पूरी नहीं हुई आपकी, क्या चाहती हो? ये ख्वाहिश है कि मैं इस चीज से निकल पाऊँ, निकल के मैं अपनी अच्छी जिंदगी गुजारूँ अपने हस्बैंड के साथ, हमारे भी बच्चे हो, जिस तरह घरेलू औरत करती है। मेरी ये ख्वाहिश है कि मेरा अपना घर हो, मैं अपने हस्बैंड के साथ वहाँ पे रहूँ। अभी मैंने देखा था कि लोग आपको ताड़ रहे थे, क्या समझते हैं लोग आपको? लोग यही समझ रहे थे कि आई एम प्रोस्टिट्यूट, बट आई एम नॉट प्रोस्टिट्यूट। और यहाँ पे जिंदगी गुजारना बहुत मुश्किल है, वो भी एक रोड के ऊपर, क्योंकि हर कलर का यहाँ पे इंसान है, कोई किस तरह है कोई किस तरह नहीं है। बाद उकात इस तरह हुआ कि मैं रोड से चल रही होती हूँ, बाइक पे लोग आते हैं, पीछे हार लगा दिया, नौजिला गलत हरकतें करना शुरू कर दी, पानी फेंक दिए, अंडा फेंक दिया कि ये प्रोस्टिट्यूट है। बहुत मुश्किल का सामना करना पड़ता है, सिर्फ अल्लाह को याद करती हूँ फिर बस, क्योंकि अल्लाह सदा बादशाह उस रब के घर की है, उसके अलावा कोई भी नहीं है मेरा या मेरे हस्बैंड है बस। मैं यहाँ पे ज़्यादा बात तो नहीं कर सकता, अब राबिया बहुत अच्छी बातें कर रही थी, मेरा दिल चाह रहा था कि उसको सुनूं। मैं यहाँ पे एक बात ज़रूर करूँगा, हमारी आवाम इतनी जाहिल है, उस जाहिलाना दौर से गुजर रही है कि हमारी बहन बेटी इस रोड से गुजर रही हो तो उसको भी वो जिसम फ्रोश समझ लेते हैं, तवाइफ समझ लेते हैं। मैं तकरीबन पिछले दो हफ्तों से यहाँ से गुजर रहा हूँ, कोई लड़की कॉलेज से यूनिवर्सिटी से स्कूल से यहाँ पे आके खड़ी होती है स्टॉप पे, तो वहाँ लड़के आके खड़े हो जाते हैं, ये समझते हैं कि शायद ये तवाइफ है। इन चीज़ों से हमें बाहर निकलना होगा, कब तक हम इन जाहिलाना हरकतों में रहेंगे? कल एक श्रीलंकन मैनेजर को मार दिया गया, कत्ल कर दिया गया, उसके बाद चोरी करने पे बरहना कर दिया गया ख्वातीन को। ये कौन से मदीना की रियासत बन रही है? ये कौन सा मुल्क है पाकिस्तान, इस्लामी जमहूरिया पाकिस्तान है, जहाँ पे एक औरत अगर किसी मजबूरी से गुजर रही है उसकी मजबूरी का फ़ायदा उठाया जाता है और उसके जिस्म को हाथ लगाया जाता है, बजाय इससे कि उसकी मजबूरी पूछी जाए कि वो किस मजबूरी से गुजर रही है। मैं अपने अदारों से अपील करता हूँ कि बराए मेहरबानी यहाँ पे आइएगा, राबिया से मिलिएगा, राबिया से जानिएगा किस मजबूरी से किस मुश्किल से गुजर रही है, इनका इलाज होने वाला है, इलाज करवाइएगा। मैं आपसे रिक्वेस्ट करता हूँ इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा ताकि राबिया भी पुरसकून और प्यारी ज़िंदगी गुजार सके। इसी के साथ मुझे दीजिए इजाज़त, अल्लाह ने के बाद।